की वीडियो हम जो बात करने वाले हैं अपने HVAC डिजाइन एडाप्टिंग कोर्स पर, वो हमारे टॉपिक का नाम है सेलेक्शन ऑफ AHU, यानी कि जब भी हम AHU का ऑर्डर देंगे तो किन किन पैरामीटर्स का हमें ध्यान रखना है जब भी हम सेलेक्शन ऑफ AHU करने वाले हैं। और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने AHU के अंदर जो उसका HP होता है हॉर्स पावर, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सा हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स का ध्यान रखना है, वो सब भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हम जब हमें AHU का सिलेक्शन करना है तो कौन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। तो मैंने जैसे कि आपको दिखाया है टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर एयर हैंडलिंग यूनिट्स, यानी जब भी हम एयर हैंडलिंग यूनिट का ऑर्डर देंगे तो कुछ डिटेल्स को हमें प्रोवाइड करना होता है, जो उसका मैन्युफैक्चर होगा मशीन का, उसको डिटेल्स हमें देनी होती है। जैसे कि हमें एक तो एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर कितना होगा हमारे डक्ट नेटवर्क में, ये प्रोवाइड करना है। दूसरा, हमें जो मैक्सिमम डक्ट लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये हमें प्रोवाइड करना है। डक्ट का मैक्सिमम साइज क्या होगा वो हमें उसमें प्रोवाइड करना है। कितना TR का यानी टन ऑफ एफिशिएंसी का AHU चाहिए हमें, वो हमें उसको डिटेल देनी है। AHU जहाँ पे हम प्लेस करेंगे उसकी स्पेसिफिकेशन, उसका साइज क्या होगा, रूम साइज क्या होगा, वो हमें प्रोवाइड करना है। कॉइल कनेक्शन क्या होगा उसमें, वो हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कॉइल कनेक्शन, कभी कहीं कहीं पर हम 2 कॉइल यूज करते हैं, कहीं पर 4 कॉइल यूज करते हैं, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। और एक हमें फिल्ट्रेशन लेवल, मतलब किस टाइप का हमें फिल्ट्रेशन चाहिए, कितनी प्योरिटी हमें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी हम वहाँ पे उसको दिखाएंगे, बताएंगे, डिटेल देंगे कि इस टाइप का हमें AHU चाहिए। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जब भी हम कोई AHU खरीदने जाएंगे या कहीं पे इसको ऑर्डर देंगे, मैन्युफैक्चरर को जो मशीन बनाएगा उन सबको ये सब पैरामीटर्स हमें बतानी होती है, ताकि वो एक एफिशिएंट एयर हैंडलिंग यूनिट को मैन्युफैक्चर कर पाए और जो पर्पज के लिए हमें उसे यूज करना है, एफिशिएंट वे में उसको यूज कर सके। तो ये होता है हमें सिलेक्शन ऑफ AHU। अब बात करेंगे कि हम कैसे हम अपने AHU का HP कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कैसे हम अपने AHU के अंदर जो हमारा इंटरनल स्टैटिक प्रेशर होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका यूज कैसे हम अपने HP जो हमें कैलकुलेट करना है उसमें हम कैसे यूज करना है। तो देखो, पहले बात करेंगे हाउ टू मेजर इंटरनल स्टैटिक प्रेशर इन मशीन लाइक AHU, ठीक है। तो पहले इसके अंदर दो चीजें हम जो मेन इक्विपमेंट होते हैं या मेन जो हम यूज करते हैं उसके अंदर, एक तो होता है हमारा फिल्टर, दूसरा होता है कॉइल, यानी कूलिंग कॉइल कौन सी होगी और उसके अंदर कौन सा हम फिल्टर यूज करेंगे, ये दो चीज हमें पता हो चाहिए। तो फिल्टर हमारे 3 टाइप के होते हैं, फाइन फिल्टर होता है, प्री फिल्टर होता है एंड द हेपा फिल्टर होता है। तो इन फिल्टर्स के अंदर कुछ प्रेशर ड्रॉप होता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है जो हमारा फाइन फिल्टर होता है, अगर हम इस टाइप का फाइन फिल्टर यूज करेंगे अपने AHU के अंदर तो वहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 0.0981 इंच पर वाटर गेज। अगर हम वहाँ पे प्री फिल्टर यूज करेंगे तो वहाँ पे कितना उसका प्रेशर ड्रॉप होगा, वो होगा 0.19 से लेकर 0.75 इंच वाटर गेज तक होगा। अगर वहाँ पे हम अपने AHU के अंदर अगर हम हेपा फिल्टर यूज करेंगे तो वहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो होगा 0.98 से लेकर 2.95 इंच वाटर गेज पर। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे फिल्टर चूज करते हैं कि हमें कितनी प्योरिटी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे फिल्टर चूज करना होता है, फाइन फिल्टर, प्री फिल्टर या हेपा फिल्टर, ठीक है। फिर उसमें हमें कूलिंग कॉइल भी चूज करनी होती है, कूलिंग कॉइल कौन सी होती है, दो होती है, एक तो 2 कॉइल होती है, ऐसी 4 कॉइल होती है। अगर इसके अंदर भी कुछ प्रेशर ड्रॉप होता है तो कितना होता है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि 0.11 इंच ऑफ वाटर गेज 8 फिंस, मतलब 8 फिंस पर इंच, 1 इंच के अंदर 8 फिंस होंगे, इसके अंदर 4 कॉइल होता है, इसके अंदर 0.22 इंच ऑफ वाटर गेज 8 फिंस पर इंच, मतलब ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर सपोज कीजिए हम यूज करते हैं अपने AHU के अंदर, हम AHU जो हमें मैन्युफैक्चर करना है या ऑर्डर करना है वो होगा, उसके अंदर हम फाइन फिल्टर यूज करेंगे और 2 कॉइल यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो फाइन फिल्टर या 2 कॉइल यूज करेंगे तो उसके अंदर कितना आएगा, जैसे मैंने बताया अगर फाइन फिल्टर होगा तो उसके अंदर जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 0.0981 इंच वाटर गेज होगा, ठीक है। अगर 2 कॉइल यूज करेंगे तो उसके अंदर कितना होगा, 0.11 इंच ऑफ वाटर गेज। तो इन दोनों को प्लस करके हम वहाँ का इंटरनल
स्टैटिक प्रेशर निकाल सकते हैं मशीन का, तो हमारा जो इंटरनल स्टैटिक प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा लगभग 0.2081। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे भी दिखाया हुआ है आपको, इंटरनल स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप इन फिल्टर प्लस प्रेशर ड्रॉप इन कॉइल, इन दोनों को प्लस कर दोगे आपका इंटरनल स्टैटिक प्रेशर निकल जाएगा। अब हमें जैसे हमने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने निकाला था कि एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमें एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ से इस डाटा से हमने अपना इंटरनल स्टैटिक प्रेशर भी कैलकुलेट किया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर को ऐड कर देंगे जिसके साथ इंटरनल स्टैटिक प्रेशर को, तो हमारा निकल के जो आएगा वो आएगा टोटल स्टैटिक प्रेशर। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो इंटरनल स्टैटिक प्रेशर निकाला था वो कितना था, 0.54 था, ठीक है, और इसमें जो इंटरनल स्टैटिक प्रेशर आया है वो कितना आया, 0.208। तो इन दोनों को यानी एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर और इंटरनल स्टैटिक प्रेशर को ऐड कर दूंगा तो वो कितना हो जाएगा, हमारा जो टोटल स्टैटिक प्रेशर होगा वो होगा 0.7481। ठीक है, तो ये प्रेशर निकल गया हमारा टोटल स्टैटिक प्रेशर। अब इस टोटल स्टैटिक प्रेशर का यूज करेंगे हम अपना HP कैलकुलेट करने में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला दिखाया हुआ है आपको कि जब भी हम HP कैलकुलेट करेंगे तो HP कैलकुलेट करने के लिए हमें AHU का, हमें HP कैलकुलेट करना है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे HP कैलकुलेट करने के लिए एयर हैंडलिंग यूनिट का। वो क्या है, CFM की मल्टीप्लाई करनी है हमें टोटल स्टैटिक प्रेशर से, तो टोटल स्टैटिक प्रेशर क्या आया था, इंटरनल स्टैटिक प्रेशर प्लस एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर को ऐड करने के बाद जो आया था वो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और उसको डिवाइड करना है किससे, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 6356 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मोटर इंटू में एफिशिएंसी ऑफ ब्लोअर, इससे डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों जो हम जनरल वे में अगर हम एफिशिएंसी ऑफ मोटर जो यूज करते हैं वो होती है 65% से लेके 85% तक होनी चाहिए, तो अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं कि हमारी जो एफिशिएंसी ऑफ मोटर होगी वो होगी 0.75। ठीक है, इसी तरीके से हम जो एफिशिएंसी ऑफ ब्लोअर लेके चलेंगे वो होती है 70% से लेके 80%, तो अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारी कितनी हो सकती है, 0.8। ठीक है, तो इन दोनों एफिशिएंसी की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो जैसे ही हमारा जो हमने जो एग्जांपल लिया था डक सिस्टम का अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर जो टोटल CFM था वो कितना था, वो था 3050 CFM। ठीक है, अभी हमने पीछे स्लाइड में हम जो निकाला था टोटल स्टैटिक प्रेशर वो कितना आया था, वो आया था हमारा 0.7481। ठीक है, उसके नीचे 6356 फिर यहाँ पे वैल्यू कर देंगे एफिशिएंसी ऑफ मोटर इंटू में एफिशिएंसी ऑफ ब्लोअर, इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी 0.59, तो यानी कि इतने HP का हमें AHU वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा उस डक सिस्टम के लिए। लेकिन क्योंकि वहाँ पे मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट के अंदर कुछ स्टैंडर्ड HP के हमें AHU मिलते हैं, तो जैसे कि 0.59 का HP इतने इजीली नहीं अवेलेबल होगा जब तक कि आप उसको ऑर्डर नहीं दोगे स्पेसिफिक, तो हम जो मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं ज़्यादातर 0.75 HP का वहाँ पे उसकी जगह यूज कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम 0.75 का HP वहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर एफिशिएंट कूलिंग के लिए। ठीक है, अब इसी पैरामीटर्स को हम यूज कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू कि कैसे हम HP निकालेंगे, तो वो भी हम समझ लेते हैं। अगर हम ग्राफ के थ्रू इसको समझना है तो कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, तो दोस्तों चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अब हम अपने ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम ग्राफ में अगर हमें CFM वॉल्यूम एयर वॉल्यूम में CFM दिया हुआ है और एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर अगर गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम HP कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सपोज कीजिए कि हमारा जो CFM है वो है, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है मैं उसको लेके चलते हैं कि 10,000। ठीक है, कितना दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि जो हमारा एयर वॉल्यूम दिया हुआ है CFM की फॉर्म में 10,000 CFM दिया हुआ है और जो स्टैटिक प्रेशर था उस पर लेके चलते हैं हम 0.5। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये 10,000 की लाइन को खींचेंगे यहाँ तक आगे तक। ठीक है, और जो हमारा जो एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर दे रखा है उसकी लाइन को हम नीचे तक खींचेंगे। ठीक है,
और इसकी अकॉर्डिंग इसके नीचे की तरफ जो लाइन में आएंगे, तो यहाँ पे जो एचपी की जो लाइन है ये नीचे वाली लाइन जो होगी वो एचपी की लाइन होगी, और नीचे किलो वाइट की लाइन देखिए कितने किलो वाइट का होगा, तो ये जो होगी ये पॉइंट ये होगा हमारा एचपी, यानी कितने एचपी का हमें वहाँ पे वो एच यू वहाँ पे इंस्टॉल करना है या कितने किलो वाट का हमें मोटर वहाँ पे यूज करनी है अपने एच यू के अंदर, ठीक है, यानी कितने हॉर्स पावर की हम मोटर यूज करनी है वहाँ पे अपने एच यू के अंदर। और उसी तरीके से अगर ब्लोअर का हमें देखना है तो ब्लोअर का हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बीच में देखिए, यानी कि ये कितना है, ये हमारे ब्लोअर का परफॉर्मेंस की लाइन जा रही है, इसके बीच में वैल्यू आई है तो इसके बीच में देख लेना कितना है, ठीक है, वो एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाएगी। तो यानी कि सिंपल सा तरीका यही है कि एक इजी वे में अगर हम समझाएं तो, अगर आपको एयर वॉल्यूम पता है और एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर पता है तो उस लाइन को एयर वॉल्यूम की लाइन को खींचिए और एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर की लाइन को खींचिए, उसको नीचे की तरफ लेकर आ जाइए, ठीक है, जो नीचे वाली जो ग्राफ दिखा रखा है नीचे वाली जो लाइन है वो हमें बता देगा कि हमारा जो एच यू है एच यू के अंदर कितने एच पी की हमें मोटर उसके अंदर यूज करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस ग्राफ के थ्रू भी हम पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम अपने एच यू का सिलेक्शन कर सकते हैं, वो कैसे हम उस मशीन के अंदर इंटरनल स्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैसे हम उसके अंदर अपने मोटर का एच पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमें वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।